टोंक में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में 11 घंटे की छूट देने की घोषणा के बाद बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। 47 दिन के बाद में कर्फ्यू में ढील मिलने से लोगों के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। हालांकि इस दौरान शहर के कुछ क्षेत्रों में जहां नए संक्रमित पाए गए वो है। 11 घंटे की छूट दी गई है। पिछले 47 दिन से टोंक में कर्फ्यू जारी था, लेकिन आज 11 घंटे की छूट दे दी गई है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक ये छूट दी गई है। उसके बाद से ही बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग ख़रीदारी करने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं। पूरी तरीके से ये भीड़ जैसा माहौल है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग ख़रीदारी करने के लिए दुकानों पर उमड़ पड़े हैं। वहीं ज़िला कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि कुछ दुकानों को ये छूट दी गई है, जिसमें से केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सालय, दवाइयाँ, प्रोविजनल स्टोर, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, अंडे, मीट, चिकन, फिश, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें, शराब की दुकानें, बिजली व पंखों की दुकानें, रेस्टोरेंट व भोजनालय केवल होम डिलीवरी हो सकेगी। इन दुकानों को पूरी तरीके से छूट दी गई है। वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, मॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे। वहीं पान, गुटखा, नाई की दुकान, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सैलून की दुकानें भी बंद रहेंगी। साथ ही सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामूहिक, मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा, धार्मिक आयोजन इत्यादि पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहीं मैं बताना चाहूँगा कि ये दूसरी ओर रात की बात यह है कि टोंक में 147 पॉजिटिव में से 138 लोग नेगेटिव हो चुके हैं और 116 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। टोंक से फिरोज उस्मानी, A1 TV।